तो भाई यार, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लड़की आपको पसंद कर रही है तो आप ये कैसे जान सकते हो। जिसमें से जो पहला पॉइंट था वो हमारा वो था कि अगर वो लड़की आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है तो इसका मतलब वो आपको पसंद कर रही है। और यार, काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि यार, अगर मेरी वाली बंदी जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहती तो मैं उसको कैसे एक्साइटेड कर सकता हूँ। मतलब कि यार, मेरी जो बंदी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बंदी मुझसे हमेशा बात करे, घंटों बात करे और वो कभी बोर ना हो, तो ये कैसे कर सकते हैं। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो यार, पॉइंट नंबर वन, लेट हर टॉक। भाई यार, प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ पता है कि हम जब भी किसी लड़की से बात करना चाहते हैं ना तो हम ही बहुत ज़्यादा पकड़ पकड़ करते हैं। अब यार, यहाँ पर हो सकता है कि आप ये बोलो कि नहीं यार, जब मैं किसी लड़की से बात करने की कोशिश करता हूँ ना तो वो लड़की बस हाँ बस यही बोलती है, वो लड़की ज़्यादा बोलती नहीं, जिसके वजह से मुझे बोलना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देता हूँ कि आपको क्या करनी है। आपको ऐसी क्वेश्चन पूछना है, ऐसे क्वेश्चन पूछना है जो कि एकदम शॉर्ट हो, मतलब एकदम छोटा सा क्वेश्चन हो पर उसका जो आंसर हो वो बहुत ही बड़ा लेवल पे देना पड़े। जैसे कि अच्छा, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। अगर आप ये छोटी सी क्वेश्चन पूछते हो, इसमें वो हाँ वगैरह तो नहीं पूछेगी ना, उसमें वो क्या बताएगी उसको जो खाने में पसंद है वो। या फिर अगर आप उससे पूछोगे अच्छा, तुम्हें इस जगह की, जहाँ पे भी आप रहते हो उस जगह की सबसे फेवरेट लोकेशन कौन सी है, तो यार यहाँ पर क्या है ना कि लड़की आपको डिस्क्राइब करेगी कि वो क्यों है, कैसे है वगैरह वगैरह। और अगर आपको एक वर्ड से आंसर देती भी है ना, यहाँ ये है, तो आप यहाँ पर ना उससे बार बार पूछ सकते हो अच्छा ये कैसे है, या फिर ये ना मेरा भी फेवरेट है, तुम्हें वहाँ की कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। भाई यार देखो, अगर आप बात करोगे, अगर आप बात बनाना सीखोगे तभी यहाँ पर बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। आप पता है क्या करते हो, आप ऐसी चीज़ें पूछते हो जिसमें से कि आपका क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। मतलब कि कल तुम यहाँ पर नहीं थी, शायद तुम बिजी होगी ना, तो वहाँ पर वो सीधा सीधा बोल देती है। भाई आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आप खुद क्वेश्चन करते हो और खुद ही आंसर दे देते हो, इससे लड़की क्या बोलेगी, नहीं बोलेगी ना। तो यार पहला पॉइंट ये था कि लेट हर टॉक, उसको बात करने दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दो। पॉइंट नंबर टू, फाइंड हर इंटरेस्ट। भाई यार, जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि उस लड़की को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको उसी के इंटरेस्ट के अनुसार बात करना है। अब यार यहाँ पर आप कैसे पता करोगे कि उस लड़की को क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है पता है, आपको सिंपल सा चीज़ ये करना है कि उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा बोलने देना अपने बारे में। उसके जब आंसर वो देगी ना तो आपको उसी में से कुछ पॉइंट आपको उठा लेना है और उसके बारे में पूछना है। धीरे धीरे जब आप पूछने लगोगे ना, उसी ये बात को रिपीट करके पूछने लगोगे तो वो लड़की खुद ही बताने लगेगी क्या क्या चीज़ें उसको पसंद है। जैसे कि अगर आप किसी लड़की से पूछते हो अच्छा तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और अगर वो बोलती है कि मान लेते चाउमीन उसको बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप यहाँ पर से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। अच्छा चाउमीन तो मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छा कहाँ का चाउमीन पसंद है तुमको, ये सारी चीज़ें। या फिर इसी सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये तो पता चल गया कि उस लड़की को उस चाउमीन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लड़की खुद आपको डिस्क्राइब करके बताएगी, पहले ना मैंने यहाँ पर खाया था, फिर यहाँ पर आया था, यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। और भाई एक बात याद रखना, जब भी कहीं पे हमारे इंटरेस्ट के लेवल के हिसाब से बात हो रही होती है ना तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कि अगर आप लड़की के इंटरेस्ट के अनुसार बात करोगे तो लड़की आपसे घंटों बात करेगी और वो कभी भी बोर नहीं होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री, मेक सम रोमांटिक कन्वर्सेशन। गाइस यार एक बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अगर आप किसी भी लड़की से बात करते हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, आप बोल बोल के बात करते हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, एक टाइम के बाद ना लड़की आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगी आपसे बात करने में। पता है क्यों, क्योंकि यार लड़की को चाहिए थोड़ा मसाला, ठीक है। अब यार मसाला का मतलब वो मत समझ लेना, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या एक्चुअली क्या है कि जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तो ट्राई करो जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना है, क्योंकि यार उस लड़की को आपको गर्लफ्रेंड बनाना, बहन थोड़ी बनाना है यार, आप थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग वगैरह दे दो। हाँ, ओवर फ्लर्ट मत करना वरना लड़की अनकम्फर्टेबल हो जाएगी और आपसे तुरंत तुरंत पत्ता कट कर देगी आपका। फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़्यादा जवानी उछाल नहीं फेंकनी, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करना कि आप जहाँ पर आपको लगे कि नहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत पंच लाइन वगैरह दे दिया जा सकता है आप दो, बहुत ही ज्यादा काम करेगी। अब यार आपको अगर ये चीज जानना है कि आप कौन कौन सी पंच लाइन वगैरह दे सकते हो, आप नीचे कमेंट कर दो यार, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। यार यहां पर आपको थर्ड पॉइंट क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि जहां कहीं भी आप थोड़ा बहुत फ्लर्टी सी लाइन यूज कर सकते हो, फ्लर्टी सी डायलॉग यूज कर सकते हो, आप यूज करो। इससे क्या होगा कि लड़की को भी बात करने में इंटरेस्ट आएगा और आपको भी मजा आएगा, वरना क्या होगा कि लड़की भगते जा रही है अपने बारे में, आप सिर्फ पागलों की तरह सुन रहे हो और आप भी इरिटेट हो जाओगे। बट धीरे धीरे अगर बीच बीच में आप अगर आप रोमांटिक सी बातें करोगे, थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग करोगे तो आपका भी मन लगा रहेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो जब से लाइक करो, कमेंट करो और ये ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो वैसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब से थैंक यू सो मच।